नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए फ्रांस से 5 राफेल फाइटर जेट ने उड़ान भर दी है। इस फाइटर जेट प्लेन को लाने के लिए भारत के 7 पायलट गए हैं और ये सभी उसे लेकर अंबाला एयरबेस पर आएंगे। इसके पहले जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इन फाइटर जेट प्लेन को यूएई के अल डाफरा एयरबेस पर उतारा जाएगा। अल डाफरा एयरबेस की जिम्मेदारी फ्रांस एयरफोर्स के पास है। यहां पर राफेल विमानों की चेकिंग और फ्यूल भरा जाएगा। इसके बाद पांचों राफेल विमान 29 जुलाई की सुबह भारत पहुंचेंगे। राफेल को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने की डील की है, जिसमें से 5 विमान की डिलीवरी दी जा रही है। अंबाला एयरबेस पहुंचने के बाद ही राफेल विमानों को मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसमें स्कैल्प, मेटेओर और हैमर मिसाइल शामिल हैं। राफेल पहला स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित होगा, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगा। 5 राफेल विमानों को हरी झंडी दिखाते हुए फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि नए राफेल विमान भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी करेंगे। इसका फायदा भारत को रणनीतिक तौर पर होगा। भारतीय बेड़े में शामिल होने के लिए आज फ्रांस से 5 राफेल विमान रवाना हो गए। अब आपको राफेल की थोड़ी खूबियां भी बताते हैं। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी ईंधन क्षमता 17,000 किलोग्राम है। राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। आकार में सुखोई से छोटा होने के चलते इसे इस्तेमाल करना आसान है। इसमें स्कैल्प मिसाइल है। यह मिसाइल हवा से जमीन पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है, जबकि स्कैल्प की रेंज 300 किलोमीटर है। यह लड़ाकू विमान 24,500 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम है। यह 60 घंटे के अतिरिक्त उड़ान भर सकता है। यह 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तो अब भारतीय सेना को ये नई मजबूती मिलने वाली है। 5 राफेल फाइटर जेट अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। 29 जुलाई को राफेल इंडिया पहुंच जाएगा, जिसके बाद वायुसेना की जो ताकत है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।